अभी जान निकली थी जी। क्यों, क्या हुआ था? थे वो तो उन्होंने ना फिर मुझे बुलाया। मैंने कहा जी, कहते ये मेरी तरह से आपके लिए गिफ्ट है। तो गाइस, हम लोग जी गिलगित से बाहर होटल लेना चाहते थे और अब पता नहीं गिलगित से कितना का बाहर आ गया। तो गाइस, ये जी हमारी शहजादी खड़ी है और ये जिसका पंचर लग रहा है। दुआ करते हैं कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कि कट शट ना लगा हो, ना तो मसला भी हो सकता है। ये देखें जी, स्टेपनी का पैर हम लोगों ने जी ये स्टेपनी का टायर लगाया हुआ है। ये देखें, और अभी हमारा टायर तैयार हो रहा है। अल्लाह करे बस ठीक हो जाए, कुछ ज़्यादा मसला ना निकला है इसका। तो अस्सलाम वालेकुम बेटी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस, आज हम लोग वापस जा रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं अपना इंट्रो करूँगा राकापोशी व्यू पॉइंट पे। तो गाइस, अभी मैं मौजूद हूँ राकापोशी व्यू पॉइंट पे, जो बाबा आपको अभी दिखा भी सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पिछले सीन में देखा कि हम लोग गाड़ी का पंचर डलवा रहे थे और उसकी वजह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया, तो अब हम लोग अपना सफ़र यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो चले अब चलते हैं। तो गाइस, हम लोगों ने अपना सफ़र वापसी के लिए शुरू कर दिया है और व्यूज़ चेक कर रहे हैं। व्यूज़ को छोड़े, अभी जान निकली थी जी। क्यों, क्या हुआ था? फ़ोन नहीं था मिल रहा। फ़ोन नहीं था मिल रहा? कहाँ से मिला? साइड डोर से। साइड डोर से डांट पड़ी थी जी। जी जान निकली थी जी। जी ओए ओए ओए, गोप्रो भी ऑन कर यार। तो गाइस, डिसाइड हुआ है कि आज हम लोग गिलगित में स्टे करेंगे। अच्छा जी, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन इतना पहुंच कर देखेंगे कि हम लोग चलास जाते हैं या नहीं। अच्छा, क्योंकि गिलगित से चलास तक रोड ठीक है, लेकिन चलास से आगे रोड थोड़ा ख़राब है। चलिए अब गिलगित, स्टे ट्यून विद द ब्लॉग, देखने के लिए कि गिलगित में स्टे करते हैं या आगे जाते हैं। तो गाइस, व्यूज चेक करें। तो गाइस, हम लोगों ने जी अभी स्टॉप लिया है जहाँ से हम लोगों ने आते हुए नहीं था स्टॉप लिया, गिलगित से जब हम लोग हुंजा जा रहे थे। मैंने मंगवाई है चिकन कढ़ाई और रोटियाँ। वहाँ पे जो हम लोगों ने एक होटल में स्टॉप लिया था, कढ़ाई खाई थी वहाँ पे, बड़ी मज़े की। उसी होटल पे जी हम लोग अभी रुके हैं। और गाइस, आप लोगों ने ये टोपी नोटिस की होगी, ये जी मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ। आज ही ली नहीं है, बताता हूँ। पंचर वाले पे ना एक बंदा आया था जो पंचर वाले का उस्ताद था। उसकी बाबा से मुलाकात ही बड़ी थी, उन बातचीत कर रहे थे। मैं भी उधर ही था कि कभी गाड़ी में चला जाता था, कभी उधर उनके पास चला जाता था। तो मैं उनसे मिला, बड़े अच्छे और स्वीट थे वो। तो उन्होंने ना फिर मुझे बुलाया। मैंने कहा जी, कहते ये मेरी तरह से आपके लिए गिफ्ट है। मैं उस वक्त देख के ना इतना खुश हुआ कि इतने उधर के अच्छे लोग हैं, खुश अखलाक लोग हैं वहाँ के। ओह, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं अभी तक पहनी हुई है, हुंजा से पहनी थी ये। तो मैंने कहा गिफ्ट है, और पहली रमज़ान को जी मेरी बर्थडे है, मैंने कहा उसका गिफ्ट भी मिल गया। चलें जी, अब कुछ खाते हैं। खाते हैं, चलो देखते हैं बाबा ने कुछ ऑर्डर करवाना है या चाशे ही पियेंगे। चले आए, अब वो देखते हैं। लेकिन गिफ्ट बहुत अच्छा है गाइस। गिफ्ट बहुत अच्छा है।
चले अब चलते हैं। तो गाइस चाय आ गई है और हम लोग गाड़ी से चिप्स वगैरह भी ले आए हैं ताकि कुछ खा मिले हैं साथ। ये देखें जी बाबा कुछ चाय दिखा रहे हैं और सामने जी असलम भाई जो हमें आते हुए भी मिले थे, आते हुए हम इनके पास रुके थे दोबारा से चाय अमीनी के पास पिएंगे। बिल्कुल तो अब हम लोग चाय शाय पी रहे और एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इवनिंग टाइम। असलम भाई की तरफ हां किया मैंने। ये देखिए जी असलम भाई। तो गाइस हम लोग अब चाय पी के निकल चुके हैं और ये डिसाइड हुआ है कि रात जी हम लोग दिल्ली में ही गुजारेंगे क्योंकि आगे जाना थोड़ा खतरे से भी हो सकता है ना बाबा? तो बेटा आती नहीं है ना हम लोग इस रोड के, कुल बेहतर ही है कि दिल्ली में रुके और सुबह दिन की रोशनी में फिर हाईवे पे ट्रैवल करें। जी चलें जी अब दिल्ली जाते हैं और उधर होटल ढूंढते हैं। ये देखे जी वेलकम टू गिलगित, गिलगित। तो गाइस हम लोग जी गिलगित से बाहर होटल लेना चाहते थे और अब पता नहीं गिलगित से कितना का बाहर आ गए। मुझे लग रहा है मुझे इतना जा रहे हैं ना हम लोगों ने चलास ही पहुंच जाना। फिर बाबा चिल्लास ही चले। लेट्स सी देखते हैं देखते हैं चले देखते हैं देखते हैं। तो गाइस बाबा गिलगित से इतना बाहर आ गए कि हम लोगों ने गिलगित ही एग्जिट कर लिया। कुछ ज्यादा बाहर आ गए हम लोग। इतना गिलगित एग्जिट कर लिया अब चकलोट पहुंचने वाले हैं। उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं। नहीं मैंने देखे थे आते हुए मुझे याद है याद है वो शायद जगलोड ही था। वो चिलास ना हो। ये देखें जी ये देखें जी रूम वाह ये चेक करें जी 3000 में तो अच्छा खासा है। वाह ये तो परफेक्ट हो गया जी। हेलो तो गाइस ये है जी इस होटल के मैनेजर और ये जी अभी आपको मासरी में जाके दिखाएंगे किसी गिलगित किस में गिलगित की किसी जगलोट किसी गाने की। तो क्या कौन सा गाना कर रहे हैं? सातो जन्म में तेरे, सातो जन्म में तेरे। चलें जी अब ये बजाएंगे। जी गाइस खाना आ गया है वो पटाखे निकल रहे हैं रोटियों में से। आज सिर्फ कढ़ाई नहीं है सब्जी भी है। जी आज सब्जी भी है तो मजे की सब्जी है सब्जी कढ़ाई अच्छी ये देखिए जी कढ़ाई अभी कितना निकल गई है सिर्फ। मुझे लगा गाइस कि सिर्फ वो है वो जो सब्जी है ना वो कढ़ाई है। मैंने कहा इसके लिए हमने 6 रोटियां मंगवाई हैं। पता चला कि ये जो है ना इसके अंदर कढ़ाई थी।
मेकअप फिर ठीक है। और फिर कैसी है कढ़ाई? फैट। अगले दिन अस्सलाम को बड़ी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस मीन चाचू आ गए जी। तो गाइस आज जी हम लोग जा रहे हैं वापस घर। हम लोग जी रात को रुके थे जगलोड में, एक होटल था रॉयल क्राउन, अच्छा होटल था, और हम लोगों ने उधर से चेकआउट कर लिया। और आज सोच रहे हैं कि पिंडी पहुंच ही जाते हैं, 12-13 घंटे लगेंगे, लेकिन बस चले जाते। तो गाइस अभी जी मैं मौजूद हूँ नागा पर्वत के पास। हेलो, ये जी बाबा खड़े हैं, वो देखें आपको जूम करके दिखाते हैं। ये जी नागा पर्वत है, अभी हम लोगों ने चेक पोस्ट से पूछा है, तो चेक करें गाइस व्यू ऑफ नागा पर्वत। किस्मत वालों को मिलता है जी ये व्यू। वाह मनाली, ओ यस, देखो ये भी अल्लाह मियां ने चाहा कि हम लोग कवर कर ले, रात को इधर रुके, ठीक है ना, होटल मिल गया, शुक्र है होटल मिल गया। होटल मिलने के साथ ही जो बाहर निकले तो नागा पर्वत पे दर्शन कराने शुरू कर दिए। बाबा को तो यकीन नहीं आ रहा था नागा पर्वत नजर आएगी, लेकिन रायकोट के पास पहाड़ बर्फ बर्फ से ढका हुआ इतना ज्यादा। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया कौन सी पहाड़ी, कंफर्म कर लिया नागा पर्वत ही है ना। तो गाइस हम लोगों ने अभी तत्ता पानी का एरिया क्रॉस किया है और रफ पैच शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सुबह में ही निकलेंगे और रात को स्टे कर लेंगे। अरे बाबा ये रफ पैच और कितनी को देर चलना है? पाँच एक मिनट और। और गाइस हम लोग चिलास पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा थक भी गए है ना आपा? नहीं, 2 घंटे में कौन थकता है बेटा, ये तो 2 घंटे पूरे हो, 10 घंटे रहते हैं। चले देखते आगे आगे होता है क्या है? चले देखते आगे आगे होता है क्या। आप चेक करें जी आबशार, बाबा जी गोरो से बात करने गए, बाबा बोल रहे थे गाड़ी में बैठे, मैं भी अभी बोर ही हो रहा हूँ गाड़ी में बैठे। तो अभी इन दोनों ने ट्रक वालों का फड्डा हो रहा था एकदम से, पता नहीं मैं बंद कर दिया, पता नहीं क्यों बंद कर दिया, अच्छा वाला मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे मैं, बस हाथा पाई नहीं हुई वरना उसमें और भी मज़ा आता। लेकिन गाइस व्यूज चेक, पहाड़ों में जी अब थोड़ी थोड़ी हरियाली आना शुरू होगी। और ये देखे जी गाइस मारखोर, ओ मारखोर तुम इधर हो, हम तुम्हें पहाड़ियों पर ढूंढ रहे थे। ओए मारखोर जा रहे जा। हाँ जी मैं कह रहा था कि इधर हरियाली भी आना शुरू होगी, उस तरह की तरह ऐसे दरख नहीं थे कोई स्थान वाले जिससे देख कर डर लगता था। चले जी अब ब्लॉकेज खुलता है, उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करते हैं दासू की तरफ। दासू अभी तक नहीं पहुँचे हम लोग, दासू नहीं पहुँचे अभी तक। तो गाइस हम लोग दासू के एरिया से जो बाहर निकल चुके हैं और अभी बोर्ड आया था कि यहाँ से पट्टा था 78 और बिशाम था 67 ना बाबा? हाँ बिशाम था 67। चेक करें जी अब शार के, चेक करें। तो गाइस अब जी मैं पीछे आ चुका हूँ क्योंकि सफ़र अब लंबा है और रात को थोड़ी सी नींद मिली थी, इसलिए अब मैं पीछे आ गया हूँ सोने के लिए। चलें जी अब मैं सोता हूँ थोड़ी देर के लिए और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करते हैं, पता नहीं काम भी करेंगे फिर करेंगे।
तो गाइस हम लोग एंटर हो गए हैं विशाम में। जी हाँ, हम लोग एंटर हो गए हैं विशाम में। और जी मैं पीछे से आगे आगे इसके बाद अब हम लोग हजारा मोटर वे पे चढ़ेंगे। हजारों मोटरवे भी चढ़ते हैं अभी, कुछ जगह नहीं बाकी है। एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा। ये देखें जी, पटल टनल। तो गए हम लोग जी रुके थे मानसेरा सर्विस एरिया पे। हम लोगों ने जो ऑर्डर किए थे क्रैब सैंडविच और फ्राइज। देखिए खाली प्लेट खा चुके हैं, भूख लगी थी खा लिए। पहला स्टॉप था हमारा, काफ़ी देर के बाद थोड़ी सी भूख भी लगी थी, ठूस लिया बस। क्या कहूँ मैं, यहाँ से जब वापस मोटरवे की तरफ चढ़ेंगे और घर जाएंगे। तो चलें अब चलते हैं, अब खा भी लिया मैंने, अब चलें चलते हैं। अब और कुछ करने को नहीं है, बस चाय पीने को है। चाय दिखा देते हैं, चाय भी ख़त्म हुई अभी। चाय देखने जी, चाय है अभी भी। चल चाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं।